101 यूनिट रक्त एकत्रित करने का रखा लक्ष्य। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को देखते हुए स्थानीय विधायक सुरेश टांक की उपस्थिति में राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को देखते हुए विधायक टांक ने आज 101 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा, जिसमें रक्तदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया, PMO डॉ अशोक जैन, तहसीलदार मोहनलाल राजावत सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। स्टार्ट की गई है, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? सर, ये पहल नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है और इसको पहल करके मैं जनता में एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा इतना बड़ा अस्पताल और इतने अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, जिन्होंने आज तक कभी खून की कमी किशनगढ़ में नहीं, पूरे ज़िले में नहीं आनी थी, इवन जयपुर में भी शायद यहाँ से खून जाता रहा, पहली बार ऐसा लगा। ये वजह शायद कोरोना है, इसकी वजह से डर है लोगों में। हमने आज ये सब ऑफिसर्स, मैं और मेरे सारे ऑफिसर्स, मेरे ब्लॉक लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, उन सब ने ये पहल करके एक संदेश दिया लोगों में कि डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारा खून किसी की जान बचा सकता है, तो हमें पहल करनी चाहिए। और ये एक शुरुआत मात्र है, ये अब अनवरत सिलसिला चलेगा और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे इस अस्पताल में ब्लड की कमी हो। और मैं सारी सामाजिक संस्थाओं से भी निवेदन करूँगा कि वो जैसे पहले अग्रणी रहे हैं, वो फिर एक बार अपनी भूमिका निभाएं और धीरे धीरे थोड़े थोड़े लोगों के साथ इस क्रम को, जो रक्तदान का जो क्रम है, ये अनवरत जारी रहे। मेरे द्वारा भी ये लगातार जारी रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से यहाँ का जो ब्लड बैंक की जितनी कैपेसिटी है वो बहुत जल्दी से पूरी हो जाए, और इसके बाद अजमेर और जयपुर के लिए हम सोचेंगे कि हमारा ब्लड वहाँ भी रहे, ताकि हमारे कोई पेशेंट वहाँ जाए तो उनको ब्लड की कमी महसूस नहीं हो। कितने यूनिट का लक्ष्य किया गया? लक्ष्य तो मैं नहीं कह सकता, अब जनता पे डिपेंड करेगा। लक्ष्य तो 500 यूनिट भी हो सकते हैं, 1000 यूनिट भी हो सकते हैं, इससे भी ऊपर हो सकता है, पर हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। क्योंकि समय थोड़ा कठिन है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हमें करनी है, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े लोगों को, 100-100 लोगों का हम एक ग्रुप बना के एक एक घंटे में 5-5-7-7 लोगों को भेज के हम इस क्रम को जारी रखेंगे। और प्रयास हमारा ये रहेगा कि हमारे यहाँ पे ब्लड की कमी नहीं रहे। एक शुरुआत है और एक संदेश है लोगों में, और हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। इस वजह से हमने ये शुरुआत करी कि हमारे अस्पताल में खून की कमी हो, पूरी हो, और उसका चैरिटी बिगनिंग एट योर होम, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए हम अपने आप से शुरुआत कर रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं, हमें चिंता है इस बात की। और ये शुरुआत मेरे ऑफिसर्स जितने भी हैं यहाँ के, चाहे SDM साहब हैं, चाहे DYSP, ये दोनों हमारे CI हैं, हमारे कमिश्नर नगर परिषद है, हमारे PHD के एक्शन हैं, AVNL के एक्शन हैं, PWD के अधिकारी हैं, नगर परिषद का पूरा स्टाफ है, हमारी ऑफशोर कंपनी के यहाँ पे जो काम कर रहे हैं PHD के लोग, पूरा स्टाफ उनका भी 20-21-25 लोगों का स्टाफ है, वो भी है, बहुत सारे लोग हमारे जमादार नगर परिषद के, उन सब का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी एक छोटी सी निवेदन को स्वीकार करते हुए बहुत बड़ी पहल राजस्थान में की है। और हम इस पहल को अनवरत जारी रखेंगे, जब जब भी आवश्यकता हुई शहर को हमारी, हम खड़े हैं, लगातार हर ओर प्रयास है। ये तो एक अस्पताल है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सड़क का एक इश्यू बड़ा एक बना हुआ है शहर को लेके, उसकी आप नहीं चिंता करें, ये मेरे बाकी की बात है कि सीवरेज और PHD मेरे कार्यकाल में मेन सड़क पे आई है। तो जैसे ये पूरा हुआ, बारिश का दौर शुरू है, ये सितंबर का महीना है, ये बारिश का दौर खत्म होते ही अगर अक्टूबर में पहले वीक में वो सड़क प्रॉपरली बन जाएगी, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पहले वीक में बन जाएगी, इसकी चिंता नहीं करें। मुझे सारी चीज़ों का पता है, मुझे क्या करना है ये सब करूँगा। और एक निवेदन पूरे शहर के आम जन से, पूरी विधानसभा के लोगों से करना चाहता हूँ, जब जब भी खून की ज़रूरत हो, आपका, आपके परिवार का स्वस्थ व्यक्ति खून रिप्लेस करे, ताकि वो किसी की जान बचा सके। आपके लिए किसी ने ब्लड देके आपके परिवारजन की जान बचाई है, तो आप भी का खून भी किसी की जान बचाए, ऐसा हमें, हमें 100 प्रेरणा आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये खजाना खाली हो जाएगा, बड़े बड़े समुद्र खाली हो जाएंगे अगर निकाल कर रहे तो। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब रक्तदाता बने। औचित्य ये है कि अभी लॉकडाउन और ये कोरोना के डर की वजह से हमारा जो ब्लड बैंक है, जिसमें 200 यूनिट हमें हमेशा पड़ी रहती थी, वो करीब करीब ख़त्म हो चुकी है, 5-10 यूनिट रह रही है, जिसकी वजह से ब्लड की बहुत भारी समस्या आ रही है और मरीज़ों को बार बार रेफ़र करना पड़ रहा है और उनके रिश्तेदारों को
जोर जबरदस्ती करनी पड़ रही है, आप ब्लड दो नहीं तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आपकी डिलीवरी नहीं होगी। इस समस्या से निजात पाने के लिए मीटिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो MLA साहब ने और अपने उपखंड अधिकारी जी ने और सारे अधिकारियों ने सकारात्मक रवैया अपनाया और कहा कि इसके लिए सबसे पहले हम ही पहल करेंगे जिससे दूसरे लोग भी एक मिसाल पेश हो सके। तो आज इसी क्रम में आज पहला दिन है, कल वो अवकाश होने की वजह से थोड़ा आगे सट गया था, लेकिन आज से प्रॉपर चलेगा। और विधायक महोदय ने कहा है जी 20 मिनट करीब पर डे, क्योंकि उनकी जन्मदिन आ रहा 12 सितंबर तक, 400 से 500 यूनिट करीब लक्ष्य रखा गया, जिससे भी इससे करीब 15-20 दिन निकल जाएंगे। उस बीच स्वयं सेवी संस्थाओं से भी संपर्क किया जा रहा है और PTS कमांडेंट वगैरह इनसे भी बात की है, कमांडेंट से बात हो चुकी, लेकिन उन्होंने भी असमर्थता जताई है कि उनके पास क्या है, अभी यंग लोग नहीं है और बूढ़े आदमी हैं जिनकी वजह से अभी थोड़ी समस्या हो सकती है, 55 साल की उम्र के ज़्यादा है। तो भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनसे आप निवेदन कर लो, अगर वो राज़ी हो जाए तो 20-50 मिनट वहाँ से भी मिल सकता है। तो आज इसमें कौन कौन आ रहे हैं सर? आज तो MLA साहब और उनके जो आम जनता के सहयोग से वो लाएंगे 20-25 जने, और दूसरे सरकारी अधिकारी भी जो MLA से जो अपने SGO साहब ने रिक्वेस्ट की है उसका असर से भी आएंगे कुछ लोग। लक्ष्य है कि 20-25 मिनट आज हो जाएगी। आपका नाम? डॉक्टर अशोक जैन, PMO, वाई नो सोल्यूशन।